Hello, I am Ritesh Harode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. This is a video series on power engineering and refrigeration. This is a video lecture on second chapter, testing of IC engine and emission control. In this video lecture, we are going to learn about the exhaust emission and control. इस टॉपिक में हम लोग एग्जॉस्ट एमिशन के अंदर जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उन पॉल्यूटेंट्स के एनवायरमेंट पर क्या इफेक्ट होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे. सो दिस इज अवर टॉपिक फॉर दिस वीडियो लेक्चर. आउटकम फॉर दिस वीडियो लेक्चर विल बी, after completion of this video lecture, the learner will be able to list the pollutants of IC engine exhaust and their effect. So hum log sabse pehle pollutants dekhenge ki kaun se pollutants IC engine ke andar exhaust mein hote hain aur unke kya effect hote hain. It may be on human being or environment. So this is the learning outcome for this video lecture. इस वीडियो लेक्चर की, इस टॉपिक की अगर पीओ के साथ मैपिंग की जाए तो सबसे पहला पीओ के साथ ये मैप होता है, यानी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, क्योंकि यहां पर हमको अलग अलग गैसेस के बारे में पढ़ना है. सो यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ बेसिक केमिस्ट्री, सो दैट्स व्हाई वी आर मैपिंग इट विथ पीओ 1. इट इज अ कोर टॉपिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सो दैट्स व्हाई इट इज मैप्ड विथ P2, that is discipline knowledge. Also, this is experiment and practice. क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन से pollutants होते हैं, वो किस तरह से test किए जाते हैं. So इसीलिए इसको PO3 और 4 के साथ भी map किया गया है, क्योंकि PO3 यानी experiment and practice, और क्योंकि आपको test करना है engine को कौन से pollutants है, कितने हैं, वो बहुत जरूरी factor होता है. So that's why it is mapped with PO4, that is engineering tools and equipment. आप उसके बाद, क्योंकि pollutants है and they are directly related and affecting on environment, so that's why we have mapped PO6, that is engineer, environment and sustainability. उसके बाद हमने इसको PO8, 9 और 10 के साथ मैप किया है, क्योंकि PO8 है इंडिविजुअल एंड टीम वर्क. क्योंकि ये प्रैक्टिकल्स अगर इसके ऊपर परफॉर्म करते हैं तो आपको इंडिविजुअली परफॉर्म करना आना चाहिए, आपको टीम वर्क में काम करना है, कम्युनिकेटिंग यानी आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, एंड दिस विल बी द लाइफ लॉन्ग लर्निंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट विल बी यूजफुल थ्रू आउट योर लाइफ. दैट्स वाई PO10 इज ऑल्सो मैप्ड. उसके बाद है PSO2 एंड PSO3. सो इन दिस पर्टिकुलर थिंग we have mapped the engineering tools and equipments and also PSO3, that is engineering processes, mechanical engineering processes. So this is all about the PO and PSO mapping. So what we are going to learn in this video lecture, we have explained here in this first PPT. Now, before moving further, let's discuss about the sources of pollutants in an automobile. In an automobile, it may be car, it may be truck, it may be bus, or a small two-wheeler, or a motorcycle. There are number of sources of pollutants in an automobile. The main source of pollutants from gasoline petrol engine are fuel tank, कार्बोरेटर, क्रैंक केस एंड टेल पाइप. अब अभी तक आपने सोचा होगा कि किसी भी आइस इंजन से या किसी कार बाइक का अगर पॉल्यूटेंट्स है तो उसका मैक्सिमम आपने सोचा होगा कि एक ही सोर्स होता है एमिशन का, और वो होता है टेल पाइप यानी एग्जॉस्ट एमिशन. तो एग्जॉस्ट एमिशन एक सोर्स है, पर इट ओनली कॉन्स्टिट्यूएंट 60-70% ऑफ एमिशन फ्रॉम एनी व्हीकल. बाकी का कहां से आता है? तो दूसरा होता है इवेपोरेटिव एमिशन, विच इज कॉन्स्टिट्यूट अप टू 15% टू
25% फ्रॉम फ्यूल टैंक एंड कार्बोरेटर। तो आपके कार्बोरेटर से डायरेक्टली फ्यूल इवेपोरेट होता है और एटमोसफेयर में जाता है लीक होके। जब भी आप अपने फ्यूल टैंक की टंकी ओपन करते हो, तो ढक्कन जब भी खोलते हो, तो बहुत सारा जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल के वेपर्स होते हैं, वो एटमोसफेयर में रिलीज हो जाते हैं। सो दैट इज द सेकेंड सोर्स ऑफ एमिशन, तो उसको बोलते हैं इवेपोरेटिव एमिशन। सेम क्रैंकेस एमिशन होता है, क्रैंकेस से कहीं ना कहीं से लीकेजेस होते हैं, या फिर पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन होता है जिसके थ्रू भी आपके इंजन से बहुत सारा लीकेजेस होता है एटमॉस्फेयर में। तो ये जो इवेपोरेटिव एमिशन है और क्रैंकेस एमिशन है, ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो इसमें एक ही पॉल्यूटेंट होता है जनरली, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। सो ये एमिशन होता है और यहाँ पे एग्जॉस्ट होता है जो 60 से 70% के कॉन्स्टिट्यूंट होता है। सो दिस इज द सोर्सेस ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन एन ऑटोमोबाइल। कोई भी टाइप का ऑटोमोबाइल हो, ये सारे तीन सोर्स ऑटोमोबाइल से पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में ऑटोमोबाइल से रिलीज होते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि तीन सोर्सेस है, तो इन सोर्सेस को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। सो दो कैटेगरी होती है, एक होता है एग्जॉस्ट एमिशन, यानी फ्यूल बर्न होने के बाद साइलेंसर टेल पाइप से जो एग्जॉस्ट एमिशन बाहर आता है वो एमिशन, तो उसको बोलते हैं हम एग्जॉस्ट एमिशन। और बाकी के जो इवेपोरेटिव क्रैंकेस एमिशन है, लीकेजेस है, इन सबको हम बोलते हैं नॉन एग्जॉस्ट एमिशन। सो दिस इज द सोर्सेस ऑफ एमिशन और उसको हमने कैटेगराइज किया है। आगे की स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कौन से गैसेस होते हैं एक पॉल्यूटेंट्स में। So let's learn about pollutants in automobile. So pollutants in automobile क्या होते हैं? Exhaust is the main source. हमने अभी देखा 60 से 70% का जो exhaust emission है वो कहाँ से होता है? वो होता है tail pipe से, यानी exhaust से होता है। तो इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं? तो इसमें सबसे पहला और बहुत important या बहुत dangerous pollutant होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम CO से डिनोट करते हैं। उसके बाद दूसरा होता है NOx, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। फिर आता है हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे देखिए हाइड्रोकार्बन, ये अनबर्न हाइड्रोकार्बन है, इसको बोलेंगे हम लोग UBHC, यानी HC हाइड्रोकार्बन, जो पेट्रोल के कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ अंश होते हैं पेट्रोल या डीजल फ्यूल के, जो बिना जले आपके एग्जॉस्ट से बाहर आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं HC अनबर्न हाइड्रोकार्बन। जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था नॉन एग्जॉस्ट एमिशन होते हैं, यानी जो टैंक से लीक होते हैं, क्रैंकेस वेंटिलेशन से होते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ HC होता है। ये बाकी के जितने भी एमिशन है, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जॉस्ट से आते हैं, HC दोनों जगह से आता है, यानी फ्यूल जलता है तब भी और लीकेजेस के वजह से भी। उसके बाद आता है सल्फर ऑक्साइड, यानी SO2। तो SO2 यहाँ पे देखिए CO, NOx, HC, SO2, ये सारे जो पोल्यूटेंट्स हैं, ये पेट्रोल इंजन में भी होते हैं और डीजल इंजन में भी होते हैं। पर डीजल इंजन में एक और एक्स्ट्रा पोल्यूटेंट्स होता है और वो होता है पार्टिकुलेट मैटर, जिसको हम PM से डिनोट करते हैं। इसके बाद में भी कुछ पोल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कि सूट एंड सम अदर पोल्यूटेंट्स। सो इतने टाइप के पोल्यूटेंट्स आपके ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट में अवेलेबल होते हैं। तो इनका इफेक्ट और ये कैसे जनरेट होते हैं, क्यों जनरेट होते हैं, आने वाले कुछ स्लाइड्स में हम लोग पढ़ेंगे। सो फर्स्ट पॉल्यूटेंट अबाउट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसे डिनोट किया जाता है CO से। तो सबसे पहले कि ये जनरेट कब होता है, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कम्बशन। देखिए हमने कुछ वीडियोस पढ़े थे जिसमें हमने SI और CI इंजन की कम्बशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा है। तो CI इंजन और SI इंजन में कम्बशन प्रोसेस होती है। कम्बशन अगर प्रॉपर नहीं हुआ, इनकम्प्लीट हुआ, तो क्या होगा? इनकम्प्लीट कम्बशन होगा। और अगर इनकम्प्लीट कम्बशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जनरेशन बढ़ता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड अगर डेवलप हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा
प्रमाण में अगर आ रहा है तो उसके रीजन क्या है, इनकम्प्लीट कम्बशन। और इनकम्प्लीट कम्बशन क्यों होता है, इनकम्प्लीट कम्बशन होता है जब हम लोग एयर सप्लाई, अगर ऑक्सीजन आपने कम सप्लाई की हुई है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होगा। अगर कार्बन आपने ऑक्सीजन प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट में सप्लाई की है तो CO2 जनरेट होगा, विच इज नॉट हार्मफुल, बट कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग, टू एटमोसफियर, एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। सो इनकम्प्लीट कम्बशन अगर हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि आपके इंजिन में एयर सप्लाई कम है। तो ये कब होता है उसके बारे में देखते हैं। सो कार्बन मोनोऑक्साइड इमिशंस आर हाई व्हेन द इंजिन इज आइडलिंग, यानी जब इंजिन आइडल पे होगा तो इंजिन आइडलिंग में क्या होता है, एक्सीलरेटर तो देते नहीं हम लोग, यानी थ्रॉटल वॉल्व बंद है। थ्रॉटल वॉल्व बंद है मतलब एयर का सप्लाई इंजिन को हो नहीं रहा है, यानी एयर का सप्लाई बहुत कम होता है। तो इस टाइम पे क्या होता है, इंजिन में कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। उसी के बाद रीच अ मैक्सिमम वैल्यू ड्यूरिंग डी एक्सीलरेशन। आप सोचो कि आप हाई स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो, इंजिन को ज्यादा फ्यूल मिल रहा है, ज्यादा एयर मिल रही है, पर अचानक से आप इंजिन को डी एक्सीलरेट करते हो। आपने डी एक्सीलरेट किया मतलब थ्रॉटल वाल्व बंद कर दिया। थ्रॉटल वाल्व बंद कर देंगे तो अंदर क्या मिलेगा, एयर का सप्लाई कम हो जाएगा। एयर का सप्लाई अगर कम हो गया तो सीओ का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसीलिए आप जब भी गाड़ी चला रहे हो, आप जब हाई स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो तो एक झटके में गाड़ी की स्पीड को कम नहीं करना चाहिए, यानी थ्रॉटल वाल्व पूरी तरह से बंद नहीं करना चाहिए। तो इस कंडीशन में कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और अच्छा कब होता है, तो लोएस्ट ड्यूरिंग एक्सीलरेशन। जब आप एक्सीलरेट करते हो तो थ्रॉटल वाल्व ओपन रहता है और उस समय कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन सबसे कम होता है। एंड एट स्टेडी स्पीड, अगर आप एक पर्टिकुलर स्पीड पे ही गाड़ी चला रहे हो तो इसका प्रोडक्शन कम रहता है। सो ये आदतें हैं, यहाँ से आप समझ सकते हो कि आपको किस तरह से गाड़ी चलानी चाहिए और ताकि आपके व्हीकल से कम पोल्यूशन हो। तो ये जो पोल्यूशन का जो होते हैं, जो पोल्यूटेंट डेवलप होते हैं, इसका सीधा सीधा रिलेशन होता है आपके इंजिन में होने, आपके गाड़ी चलाने के तरीके पर भी। तो आपके गाड़ी चलाने के तरीके से भी पॉल्यूशन कम या ज्यादा हो सकता है। उसके बाद इसका इफेक्ट क्या है, तो इसका सबसे पहला इफेक्ट है, इट इज द कलरलेस गैस ऑफ अबाउट सेम डेंसिटी एज एयर। तो ये सेम डेंसिटी ऑफ एयर होती है, एयर जैसा होता है उसी तरीके से ये गैस डेवलप होती है और ये ऑर्डरलेस होती है, कलरलेस होती है, यानी एयर की तरह ही दिखेंगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप CO को इनहेल कर रहे हो। और अगर आपने ज्यादा CO इनहेल किया तो इट मे पॉसिबल कि आप की डेथ भी हो जाए। इट इज पॉइजनस गैस विच व्हेन इनहेल्ड रिप्लेस द ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम सो दैट बॉडीज मेटाबोलिज्म कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, तो पॉइजनस गैस है, अगर बॉडी में जाती है तो आपकी बॉडी सही तरीके से काम नहीं करेगी और आपके जो सिस्टम है ब्रेन और हार्ट वो काम करना बंद कर देंगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो कम करता है और इट इज वेरी डेंजरस विद द पर्सन विद हार्ट डिजीज। तो जिसको हार्ट डिजीज है उसके लिए ये बहुत ज्यादा ही डेंजरस गैस होती है। और साथ ही साथ जो थोड़ी देर पहले बताया था कि ये ग्लोबल वार्मिंग के भी करती है, तो उसके लिए भी ये गैस प्रॉब्लमेटिक है। द नेक्स्ट पॉल्यूटेंट्स इन आइस इंजन एग्जॉस्ट इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है NOx से, क्योंकि इसमें NO2 भी होता है, NO3 भी हो सकता है, सो दैट्स व्हाई इट इज रिप्रेजेंट बाय NOx। अगर इंजन का टोटल एग्जॉस्ट देखे तो उसमें मैक्सिमम परसेंटेज यानी मोर देन 50% जो होता है एग्जॉस्ट, उसमें नॉक्स होता है। और नॉक्स क्यों जनरेट होता है, सो इसकी दो बेसिक कंडीशन होती है, इट इज जनरेटेड अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर कंडीशन। सो जब इंजिन हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर चलता है उस टाइम पर नॉक्स का जनरेशन होता है। एट द सेम टाइम अगर इंजिन लीन मिक्सचर पे चल रहा है, यानी ऐसा मिक्सचर जिसमें एयर की क्वांटिटी ज्यादा हो और फ्यूल की क्वांटिटी कम हो, तो ऐसी कंडीशन में भी जो नॉक्स का फॉर्मेशन है वो बहुत
ज्यादा होता है, ये जनरेट क्यों होता है? सो अगर एक्सेस में ऑक्सीजन अवेलेबल है, सो दिस ऑक्सीजन एटम रिएक्ट्स विथ नाइट्रोजन एंड इट फॉर्म अ नॉक्स। सो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन इसीलिए तब ज्यादा होता है जब लीन मिक्सचर यानी एक्सेस में ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, तो उस टाइम पे नॉक्स का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। और जैसे कि मॉडर्न इंजिन्स की अगर बात करें तो मॉडर्न इंजिन्स में हम लोग हमेशा व्हीकल की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए लीन मिक्सचर पर व्हीकल्स को चलाते हैं। तो व्हीकल्स अगर लीन मिक्सचर पे चल रहे हैं, इंजन अगर लीन मिक्सचर पर काम कर रहे हैं, तो नॉक्स का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए मॉडर्न इंजिन्स में नॉक्स का प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है। सो इसीलिए इसको यूज इसको कम करने के लिए भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज यूज होती है। देन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स क्या करता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हाइड्रोकार्बन्स के साथ में रिएक्ट करता है एंड दे फॉर्म अ ओजोन। तो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रहता है वो हाइड्रोकार्बन्स के साथ में रिएक्ट करता है और ओजोन का फॉर्मेशन करता है, यानी O3 फॉर्म होता है। और ये O3 जो फॉर्म होता है वो अर्थ के सरफेस के ऊपर होता है, यानी हमारे नॉर्मल लोअर एटमॉस्फेयर में ये फॉर्म होता है। और जब ये लोअर एटमॉस्फेयर में फॉर्म होता है तो इसके वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें स्मॉग का फॉर्मेशन बढ़ते जाता है, इसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। एट द सेम टाइम जो NO2 NO3 होता है वो वाटर के साथ में रिएक्ट करता है और HNO3 का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से एसिड रेन्स भी होती है। तो अगर नॉक्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारा स्मॉग का प्रोडक्शन बढ़ता है, एट द सेम टाइम फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन ऑल्सो पॉसिबल। तो नॉक्स का जो प्रोडक्शन है वो इंजन में बहुत ज़्यादा होता है उसके एग्जॉस्ट के, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जो एग्जॉस्ट होता है उसमें मोर देन 50% नॉक्स का ही कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसीलिए इसको कम करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोकार्बन्स। सो हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स का जो एमिशन होता है इंजन से वो दो तरीके से होता है। एक होता है HC यानी हाइड्रोकार्बन, ये होता है एमिशन। जब भी आप किसी टैंक को ओपन करते हैं तो एक पेट्रोल के वेपर्स या फ्यूल के वेपर्स बाहर निकलते हैं, तो ये होता है हाइड्रोकार्बन का एमिशन। और जब बिना जले अगर हाइड्रोकार्बन एग्जॉस्ट से बाहर आ रहे हैं इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं अनबर्न हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का एमिशन दो तरीके से इंजन से होता है। अब ये जो दोनों तरीके से हो रहा है ये दोनों एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन एमिशन रिजल्ट व्हेन फ्यूल मॉलिक्यूल्स इन द इंजन डू नॉट बर्न और ओनली बर्न पार्शियली। तो अगर फ्यूल पूरी तरह से बर्न नहीं हो रहा है तो ये हाइड्रोकार्बन एटमॉस्फेयर बिना जले बाहर इंजन सिलेंडर के बाहर आते हैं इंजन के टेल पाइप से यानी एग्जॉस्ट में। तो ये एक मेन सोर्स होता है हाइड्रोकार्बन पोल्यूटेंट्स का। और दूसरा, जब भी आप टैंक ओपन कर रहे हो, जब पेट्रोल भराने के लिए आप कैप खोलते हो, तो आप हमेशा देखेंगे, आप ये आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो कि आपके टैंक में से हाइड्रोकार्बन्स बाहर निकल रहे हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन्स का एमिशन होता है। सो हाइड्रोकार्बन्स क्या करते हैं? दिस हाइड्रोकार्बन्स रिएक्ट विद द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सनलाइट ऑल्सो एंड दे फॉर्म अ ग्राउंड लेवल ओजोन। और ये ग्राउंड लेवल ओजोन जब फॉर्म होता है तो इसके वजह से स्मॉग होता है, यानी धुंध छाती है, कोहरा छाता है और विजिबिलिटी कम होती है। और ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है विंटर सीजन में। तो ये जो विंटर सीजन में प्रॉब्लम होती है वो इसके वजह से होती है। तो ये हाइड्रोकार्बन जब नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ओजोन फॉर्म करेगा और उसके वजह से एनवायरमेंट में ये एक प्रॉब्लम होती है। अब ओजोन के वजह से क्या होता है? सो ओजोन इरिटेट्स द आई, डैमेज द लंग्स एंड एक्सकैवरेट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। तो सॉरी, सो ओजोन का जो डेवलपमेंट है, अगर ओजोन ग्राउंड लेवल पे डेवलप हो रही है तो ये आपके आईज को इरिटेट करेगा, लंग्स डैमेज हो सकते हैं और साथ ही साथ सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है वो भी इंक्रीज होती है। तो इसीलिए हाइड्रोकार्बन्स का जो प्रोडक्शन है, जो जनरेशन है, वो भी कम से कम होना चाहिए। कुछ हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं एग्जॉस्ट में जो निकलते हैं दे आर वेरी डेंजरस एंड दे कैन कॉज द कैंसर टू द ह्यूमन बीइंग।
So this, that's why hydrocarbon emission is very dangerous. The next one is sulfur dioxide. So SO2 का formation होता है, SO2 का जो basic source है ये होता है petrol या फिर diesel में. Petrol और diesel में जो आपका fuel होता है उसमें सल्फर के जो कंटेंट होते हैं वो पहले से ही होते हैं. तो ये जो सल्फर के कंटेंट होते हैं जब फ्यूल बर्न होता है, सो दिस सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड इट गेट कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड. सो SO2 इज फॉर्मड इन स्पार्क इग्निशन एंड कंप्रेशन इग्निशन इंजन ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेस. तो अभी जैसे कि बताया ये दोनों इंजन में होता है, पेट्रोल में भी और डीजल में, क्योंकि ये एक कंपोनेंट है, ये एक कंटेंट है आपके क्रूड ऑयल का. क्रूड ऑयल में पहले से ही सल्फर का कंटेंट होता है, बहुत कम मात्रा में होता है पर होता जरूर है. तो उसका पेट्रोल में भी आता है, डीजल में भी आता है और उसी की वजह से, इसके वजह से ये जो गैस है वो SO2 का फॉर्मेशन होता है. द क्वांटिटी ऑफ सल्फर कंपाउंड प्रेजेंट इन पेट्रोल डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल एंड सम एक्सटेंट ऑन द मेथड यूज्ड इन द रिफाइनिंग ऑफ ऑयल. तो कितना सल्फर है फ्यूल में ये डिपेंड करता है कि आपका क्रूड ऑयल किस क्वालिटी का है, कैसा क्रूड ऑयल है और रिफाइनिंग प्रोसेस कैसी थी. तो रिफाइनिंग प्रोसेस जो होती है उसमें हम लोग सल्फर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. उसके बाद डीजल ऑयल हैज हायर सल्फर कंटेंट विच कुड बी एज हाई एज 20 टाइम्स दैट ऑफ पेट्रोल. सो डीजल जो होते हैं उसमें सल्फर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है. अभी तक आप अगर जहां पे भी देखोगे सल्फर का कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है डीजल में, और वो कितना टाइम्स होता है, 20 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ पेट्रोल. और जब ये फ्यूल बर्न होगा तो SO2 का फॉर्मेशन होगा. अब जो नया रूल आया है, जैसे BS6 भारत स्टेज 6 के व्हीकल्स, जैसे अप्रैल 2020 से अभी आप जो भी व्हीकल खरीदने जाओगे तो आपको BS6 का ही व्हीकल मिलेगा. और जब BS6 का व्हीकल आप खरीदने जाएंगे तो उसमें जो सल्फर का कंटेंट है, SO2 का जो एमिशन है वो परमिटेड वैल्यू जीरो कर दी गई है. अभी जीरो कर दी है तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए कोई भी मेथड नहीं है इसको कम करने की. तो इसीलिए इसमें हम लोगों ने अब जो पेट्रोल आता है इंडिया की रिफाइनरीज को इस तरह से अपडेट किया है, गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट किया है कि अब जो आपको पेट्रोल मिलता है, अभी आप अगर देखोगे तो कई बार होता है कि BS6 पेट्रोल या BS6 डीजल आपके पेट्रोल पंप पे अवेलेबल है, तो ये जो BS6 का पेट्रोल और डीजल होता है यहाँ पे सल्फर कंटेंट पूरी तरह से जीरो कर दिया गया है. तो अब पेट्रोल और डीजल में जो BS6 के व्हीकल आ रहे हैं और जो फ्यूल अभी मिल रहा है उसमें सल्फर होता ही नहीं है. तो जब पेट्रोल में ही सल्फर का कंटेंट नहीं होगा, डीजल में ही सल्फर का कंटेंट नहीं होगा, तो उसके वजह से जो सल्फर का SO2 का प्रोडक्शन है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा. तो इसीलिए ये BS6 की रिक्वायरमेंट थी, BS6 में सल्फर कंटेंट की जो परमिटेड वैल्यू है वो जीरो कर दी गई है. हम आगे जब नॉर्म्स देखेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे. आगे देखते हैं कि ये सल्फर के इफेक्ट क्या होते हैं. तो ये जो SO2 गैस है इट इज ऑल्सो अ पॉइजनस गैस, इट कैन कॉज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू ह्यूमन बींग. एट द सेम टाइम दिस SO2 इट रिएक्ट्स विद द वाटर एंड इट क्रिएट्स द H2SO4 विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन. सो इसीलिए सल्फर डाइऑक्साइड भी एक डेंजरस पॉल्यूटेंट होता है. देन द नेक्स्ट वन इज द पर्टिकुलेट मैटर. इसके पहले हमने जितने भी पॉल्यूटेंट्स देखे वो सारे सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन दोनों में होते थे, पर पर्टिकुलेट मैटर जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ डीजल इंजन में आता है. अब पर्टिकुलेट मैटर होता क्या है, पर्टिकुलेट एमिशन ओरिजिनेट फ्रॉम पार्टली बर्न फ्यूल. जब फ्यूल पूरी तरह से बर्न नहीं होता है तब देन पार्टली बर्न लुब्रिकेटिंग ऑयल, एश कंटेंट ऑफ फ्यूल ऑयल एंड सिलेंडर ऑयल. अब ये डीजल में क्यों होता है, तो अगर आपने डीजल और पेट्रोल देखा होगा तो दोनों में फर्क होता है. पेट्रोल बहुत वोलेटाइल होता है और डीजल एक विस्कस फ्लूइड होता है. विस्कस होने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर एश कंटेंट होते हैं और कुछ सॉलिड पार्टिकल्स उसके अंदर रहते हैं. तो बर्न होने के बाद में ये पर्टिकुलेट जनरेट होते हैं. कई बार डीजल इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल भी बर्न हो जाता है इंजन सिलेंडर में आके, तो इसकी वजह से भी पर्टिकुलेट मैटर का प्रोडक्शन बढ़ता है. सो दैट इज द रीजन.
तो अगर कंप्लीटली फ्यूल बर्न नहीं हो रहा है, लुब्रिकेटिंग ऑयल इंजन सिलेंडर में जा रहा है, तो पर्टिकुलेट मैटर का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और डीजल इंजन में यह होता है। देन पर्टिकुलेट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन सूट, कार्बन डेवलप होता है, मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फेट्स एंड अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन आर रिजल्ट्स ऑफ इनसफिशिएंट कंबशन। जैसा कि बोला, पार्टली फ्यूल है तो यानी इनकम्प्लीट कंबशन होगा, कंबशन अगर पूरी तरह से नहीं हुआ तब, और फ्यूल और लुब्रिकेटिंग ऑयल की इम्प्योरिटीज, क्योंकि डीजल में इम्प्योरिटीज होती है, क्योंकि वो विस्कस होता है, कुछ कंटेंट उसमें होते हैं जो पर्टिकुलेट मैटर का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। सो इट इज इम्पॉसिबल कि डीजल इंजन का जो पर्टिकुलेट मैटर है इसका प्रोडक्शन हम कम नहीं कर सकते। सो जो ये ऐसे मैटर्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पूरी तरह से कभी भी बर्न नहीं होते, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कभी बर्न नहीं होते, तो इसीलिए ये पर्टिकुलेट मैटर का प्रोडक्शन होता है। अगर ये डेवलप कब होंगे, ये होते हैं, अ हायर कंबशन टेम्परेचर इज वेरी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग पीएम इन डीजल इंजन। सो डीजल इंजन अगर हायर टेम्परेचर पर चल रहा है तो इसका प्रोडक्शन कम होता है, एंड ऑल्सो अ लो सल्फर फ्यूल इज यूज। तो अगर आपने लो सल्फर फ्यूल इज यूज किया, और अभी तो बिना सल्फर का फ्यूल यूज होता है, तो इसके वजह से भी ये प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होगा। सो इंजन अगर हायर टेम्परेचर पे चल रहा है तो आपका पर्टिकुलेट मैटर का प्रोडक्शन कम होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। सो इन दिस वे वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। सो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स के क्यों होते हैं और उनके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा है। सो द आउटकम ऑफ दिस वीडियो लेक्चर विल बी, you will be able to describe the causes and effect of pollutants in IC engine emission. So exhaust ho ya fir emission ho, uske andar jo jo pollutants hote hain aur unka kya effect hota hai, kyu hote hain, uske bare mein aap describe kar payenge. Aur iska PO aur PSO mapping, to PO 1 2 3 aur 4 isme map hota hai, PO 6 bhi hum log map kar rahe hain kyunki environment pe directly effect hota hai pollutants ka. So that's why PO6 environment and sustainability हम लोगों ने यहाँ पे map किया हुआ है। उसके बाद PO8, 9 और 10 जैसा कि हम हमेशा map करते हैं वो किया हुआ है। Then PSO2 and 3 भी इसमें map होता है। So this is all about the different types of pollutants. In the next video lecture we are going to learn about the control of these emissions in IC engine. What are the techniques we are going to use to control the IC engine emission? Till then, keep learning. Thank you.